आज की रेसिपी है सिंपल सा मटर पुलाव काजू वाला। अगर मैं आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रियंकास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ सिंपल सा मटर पुलाव। इसके लिए मैंने सामग्री ली है 1.5 गिलास चावल, ये बासमती चावल ली है, 1 कटोरी मटर, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 4 काली मिर्च, 8-10 काजू, इसके मैंने पीस बना लिए, 3-4 हरी मिर्च, 3 चम्मच घी, स्वादानुसार नमक। अब मैंने चावल 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो ली है। अब मैं 10 मिनट के लिए पानी में भिगोने के लिए रख दूंगी। अब मैंने गैस पर कुकर चढ़ाया है, इसमें डालूंगी मैं घी। कुकर अपना गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे घी। अपना घी गर्म हो चुका है, इसमें डालूंगी मैं खड़े मसाले। इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्च। अब इसमें डालेंगे हरे मटर। अब इसमें डालेंगे काजू। 1 मिनट के लिए अपन परत लेते सारी चीजों को। अब अपने चावल को 10 मिनट हो चुके हैं भिगोने के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी कुकर में। अब इसमें डालेंगे अपन नमक, इसे मिक्स कर लेंगे। जिस ग्लास से अपन ने चावल लिए थे, इसी ग्लास से मैं 2.5 गिलास पानी डालूंगी। इससे बराबर अपना माप परफेक्ट रहेगा। अभी अपन कुकर का ढक्कन लगा के 2 सीटी ले लेंगे। 2 सीटी हो गई कुकर की, कुकर थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसका ढक्कन खोलती हूँ मैं। अभी आप देख सकते हो अपना पुलाव कितना खिला खिला बना है। अभी अपना खिला खिला मटर पुलाव तैयार है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए प्लीज। थैंक यू।